एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि पिछले 5 महीनों में राज्य में 391 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि राज्य में 3,152 लड़कियां लापता हुई, जो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दंगे उन जगहों पर हो रहे हैं जहां देश में सत्तारूढ़ पार्टी की कोई ताकत नहीं। कार्यक्रम का आयोजन एनसीपी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर मुंबई में किया गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैं खानदेश गया था, जहां मैंने देखा कि कपास के किसानों को कपास को घर के अंदर रखना पड़ता है। मोदी ने कहा था कि हम 3 साल में किसानों का उत्पादन दोगुना कर देंगे, लेकिन पिछले 5 महीनों में राज्य में 391 किसानों ने आत्महत्या की। प्रदेश में 23 जनवरी से 23 मई तक 3,152 महिलाएं लापता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि पिछले 5 महीनों में राज्य में 391 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि राज्य में 3,152 लड़कियां लापता हुई, जो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दंगे उन जगहों पर हो रहे हैं जहां देश में सत्तारूढ़ पार्टी की कोई ताकत नहीं। कार्यक्रम का आयोजन एनसीपी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर मुंबई में किया गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैं खानदेश गया था, जहां मैंने देखा कि कपास के किसानों को कपास को घर के अंदर रखना पड़ता है। मोदी ने कहा था कि हम 3 साल में किसानों का उत्पादन दोगुना कर देंगे, लेकिन पिछले 5 महीनों में राज्य में 391 किसानों ने आत्महत्या की। प्रदेश में 23 जनवरी से 23 मई तक 3,152 महिलाएं लापता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है।